बहुत दिनों बाद आज इस लॉकडाउन में मैं घर से बाहर निकली हूँ फाइनली विथ परमिशन। ऐसे तो बाहर निकलना पॉसिबल हो नहीं पाता है, तो आज मैं बाहर निकली हूँ ये एक्सप्लोर करने के लिए कि एक्चुअली सब कुछ वैसा ही है कि कुछ चेंज हो गया। सो आई एम आउट हियर विथ ऑल दी प्लांट्स एंड सिर्फ एनिमल्स ही है यहाँ पर। यू कैन सी सो मेनी काउज आर ग्रेजिंग अराउंड, आई विल शो यू। यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा, देयर इज नो बॉडी हियर, जस्ट काउज आर देयर ग्रेजिंग अराउंड एंड आई एम आउट ऑन। क्या करें, इसे एडवेंचरस कहे क्या? नो इट्स नॉट एडवेंचरस एक्चुअली, बट फिर भी थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं कहीं से पुलिस वुलिस आ ना जाए, अदरवाइज दिल कॉट मी कि आप कर क्या रहे हो, अभी इस लॉकडाउन में बाहर निकलना नहीं है एंड स्टिल यू आर आउट। पूरा सन्नाटा है यहाँ पर, यहाँ बच्चे हमेशा खेलते रहते हैं। ये जो मैदान देख रहे हैं आप, यहाँ पर बच्चों से ही हमेशा भरा रहता है। सी द वेल ओवर हियर एंड हियर देयर आर सम काउज एंड ऑक्सेस। ये सारे अभी आज़ादी से घूम रहे हैं, कैद हैं तो हम लोग। ये एक्चुअली मेरी फेवरेट जगह है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इधर घूमना। मैं हमेशा दोस्तों के साथ यहाँ आती हूँ अपने कज़न्स के साथ घूमने के लिए, टहलने के लिए शाम को, बट अभी तो ऐसा हो गया कि कहीं निकलना ही नहीं है, कहीं जाना ही नहीं है, बस आपको घर ही में रहना है टू स्टे सेफ। ये तो हमारे अच्छे के लिए ही है, कहीं हमारी बुराई नहीं है इसमें, बट फिर भी थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल तो है कि घर में ही बैठे रहना है और कुछ। हालाँकि मेरा स्कूल चल रहा है ऑनलाइन, तो आई एम नॉट गेटिंग बोर्ड, आई हैव इनफ वर्क टू डू। सी द लीव्स ऑफ दीज प्लांट, ये इसका फ्लावर है, काफ़ी सुंदर है इसका फ्लावर एंड द लीव्स आर हियर। अब मैं आ पहुंची हूँ हमारे उस बड़े कुएं में, कुएं के पास, एक्चुअली नॉट कुएं में, अंदर नहीं है, आई एम आउटसाइड ओनली। यहाँ ये देखिए सोप वगैरह रखने के लिए बना हुआ है, यहाँ लेडीज़ आती हैं अपना बात लेती हैं, क्लोथ्स वगैरह वॉश करती हैं। ये हमेशा भरा रहता, खाली कभी नहीं रहता, इसे फुर्सत, इस कुएं को फुर्सत नहीं होती है। भले इसे बाकी सारी चीज़ों को फुर्सत मिल जाए, लेकिन इस कुएं को अभी फुर्सत नहीं होती, बट इस लॉकडाउन में इसे आराम मिल गया। सी द सीनरी, इतना रिफ्रेशिंग लगता है ना, आई टेल यू, यहाँ आने के बाद बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगता है। आप लोग से बात करते करते मैं बहुत दूर आ गई, काफ़ी दूर। बहुत मज़ा आ रहा है सच में, देयर इज़ नो बडी एट ऑल, बिल्कुल भी कोई नहीं है, सिर्फ एनिमल्स हैं। सी द कंडीशन, हम आज़ाद थे, एनिमल्स रहते थे पिंजरे में, आज हम पिंजरे में हैं और एनिमल्स आज़ाद हैं। हाउ द लाइफ चेंजेस, कभी किसी ने सोचा था कि इतने दिनों का लॉकडाउन हो जाएगा, इस तरह से कोई महामारी हो जाएगी? किसी ने नहीं सोचा था, बट इट हैपेंड। ये देखें, देखा आप लोगों ने, अभी तक हमें बफेलोज नहीं दिखाई पड़े थे। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे बफेलोज हैं, काऊ और ऑक्सेस ही दिख रहे थे, भैंसों को भी देख लीजिए, कितने आराम से, कितने मज़े से हैं। इन फील्ड्स में बहुत अच्छी फसल होती है चावल की, यहाँ चावल की फसल बहुत अच्छी है। हमारे भी खेत हैं उस तरफ, है दैट साइड, उधर कहीं बहुत दूर में है, आई डोंट रिमेम्बर दी एग्जैक्ट प्लेस ओवर देयर, बट ये सब जो फील्ड्स हैं वो किसी और की हैं, बट बहुत अच्छी फील्ड्स हैं ये। और ये देखिए सांप का बिल, वी शुड स्टे अवे फ्रॉम हियर। रास्ता काफ़ी लंबा है और हमें चल करके ही जाना है, और जाने के बाद क्या, बस थकान है, नथिंग एल्स।
हैव यू एवर सीन एंट हिल सी दीज आर एंट्स हिल हाउ ब्यूटिफुली एंट्स हैव मेड इट दे आर सो क्रिएटिव क्या हुआ वो बहुत टाइनी क्रिएचर है तो नाउ वी आर डन विथ एक्सप्लोरिंग अब मुझे लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए काफ़ी लेट हो गया एंड यू माइट हैव एन्जॉयड वॉचिंग दिस ब्यूटिफुल सीनरी विथ मी आहा आई रियली फील रिलैक्स्ड बहुत अच्छा लगा आकर के सच में थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टॉलरेटिंग मी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम सच में आपका टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है बहुत पेशेंस है आप में इस तो आपने इतने देर तक मेरी वीडियो को देखा मेरी आवाज़ को सुना और आई होप कि आपने लाइक भी किया ही होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय टेक केयर